जल संसाधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ जिला बलरामपुर के ग्राम पंचायत मुरका में एक माह पहले 29 लाख रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण कराया गया था, जो महज एक माह के भीतर ही पूरा का पूरा बह गया। यह पुल विशिष्ट केंद्रीय परियोजना के तहत बनवाया गया था। आज भ्रष्टाचार देश की प्रमुख समस्या है, जिससे देश का हर तबका प्रभावित है। ऐसे में 29 लाख रुपए की लागत से बना पुल का यूं ताश की पत्तियों की तरह बिखर जाना बेहद गंभीर विषय है। मैं प्रकाश गुप्ता और ये है मेरा समुदाय। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब जी। आप यहाँ पे काम देख रहे हैं जी? ये काम कौन करा रहा है? इरिगेशन विभाग करवा रहा है जी। यहाँ पे काम कोई देख रहा है क्या, कोई उनका प्रतिनिधि? हाँ, अनिल दुबे। ये काम कंप्लीट हो गया था? कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया था। ये कैसे गिर गया? गिर गया पानी ऊपर से, का बोलते, चेक डैम फूट गया। पुल तो पानी में ही और पानी की निकासी के लिए बनाया जाता है। यह कहना किसी मजाक से कम नहीं कि पुल पानी में बह गया, वो भी पूरा का पूरा। कारण तो कुछ और है। हकीकत, निर्माण का स्तर घटिया होना और प्रयुक्त निर्माण सामग्री का सही अनुपात से कम होना था। अब हम इसको जांच के लिए एसडीओ आरएस और एसडीओ पीडब्ल्यूडी और राजपुर का सीओ तीनों को लगा दिया है। जांच रिपोर्ट और 15 दिवस के अंदर आ जाएगी। इस वीडियो को देखने वाले तमाम साथियों से मेरा अपील है कि बलरामपुर कलेक्टर सीआर प्रसन्ना को फोन करें और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करें। कलेक्टर सीआर प्रसन्ना का नंबर है 09826442277। मैं प्रकाश गुप्ता, बलरामपुर छत्तीसगढ़ से, इंडियन हार्ट के लिए।